कि शराबबंदी जब है तो विधानसभा के परिसर में शराब के बोतल कैसे आता है, कौन पीता होगा? अरे ओकर मंत्री कोची है वो, अगला मुख्यमंत्री कौन था, जीतन राम मांझी, वो तो साफ बोला कि पटना में 70% आदमी शराब पीता है बड़का बड़का, लेकिन गरीब आदमी जल जाता है। इसका कारण है सरकार और पुलिस की मिलीभगत, सरकार पुलिस की मिलीभगत, इसी से चलते शराबबंदी नहीं हो रहा। पुलिस तो पकड़ती है भैया शराब, आप कहाँ पकड़ती है, चलिए ना आप मेरे क्षेत्र में चलिए पुनपुन में, पुनपुन थाना से आधा किलोमीटर के बाद शराब बनता है, दोनों तरफ पूर्वा पछी आवा जानते हैं, दिखाई देगा नहीं मगर मिलेगा हर एक जगह। गायक वायक? नहीं नहीं गायक छोड़े हैं, हम लोग भी तो यहीं पे काम करने वाले हैं। अब क्या कर, मैं नवादा जिला से बिलोंग करते हैं, ये हर जगह हमें बताएंगे आपको, शराब पीते हुए झूमते हुए जाते हैं, आपको दिखाएंगे, आप गिनती करिएगा कहिएगा वाकई में शराब बंद नहीं है। पगला उगला है हमारे, पगला जनता ही नीतीश कुमार, जनता के यहाँ फुलवारी में मरा गया बेचारा, आके कहा कि हमारे खेत में शराब बनावे वाला है, वो लेके 14 साल के लेके जान मार दिया सब शराब बनावे वाला, मुंह से सुंगले चलता है, कोई सारा भीएस पी रहा है, कोई चरस पी रहा है, और जल्दी मर जाते हैं, पीकर लोग मरते हैं फिर उससे और जल्दी मरते हैं। शराब ठीक था, देखिए 200 आदमी शराब पी के ट्रेन से आता है पटना, हाँ जी राजधानी में, राजधानी पी के आता है, लेके भी आता है, लेकर भी आता, हाँ लेके भी आता, काहे लाता है ये लाने, मान लिया कि रात में हुआ बिहान पिएगा। शराब तो अमृत चीज है, दूध बेच बेच के सब लोग दारू, शराब अमृत चीज, दूध बेच देगा मगर सांझ के दारू उसको चाहिए। हाँ। अच्छा, आप भी दूध बेचते हैं? नहीं हम दूध तो नहीं बेचते मगर देखते हैं। शराबबंदी, शराबबंदी पर ही जो काम कर रहे हैं अभी मोतिहारी में 40 व्यक्ति मर गया, 100-200 व्यक्ति का आंख चला गया। शराब खोल देना चाहिए? शराब खोल नहीं देना चाहिए, शराब बंदी की हो तो उसका नजर कीजिएगा ना आप जी। कुमार तो कहते हैं हम ड्रोन से नजर रख रहे हैं, ड्रोन नहीं प्यास से नजर, करिया चश्मा पहन के ड्रोन से नजर रखता है। मारा सुनिए, सुन लीजिए, उंगली मत दिखाई, उंगली नीचे, अरे उंगली ठीक गलती हो गई। देखिए कहने की मतलब ये है कि शराबबंदी जब है तो विधानसभा के परिसर में शराब के बोतल कैसे आता है, कौन पीता होगा? अरे ओकर मंत्री कोची है वो, अगला मुख्यमंत्री कौन था, जीतन राम मांझी, वो तो साफ बोला कि पटना में 70% आदमी शराब पीता है बड़का बड़का, लेकिन गरीब आदमी जल जाता है। बोला नीतीश के मंत्री शराब पीते हैं? अरे अफसर सब पीता है, कलेक्टर ऑफिसर भी पीते हैं, कलेक्टर एसपी सब पीता है। जीतन राम मांझी, जीतन राम मांझी के हर बात को आप मानते हैं? हाँ वो बहुत आदमी अच्छा था। हाँ जीतन राम मांझी कहते हैं कि कहीं भी मंदिर में दलित जाता है तो मंदिर धुलवा दिया जाता है, इस बात को मानते हैं? अगर जीतन राम मांझी कहीं भी दलित जाता है तो मंदिर धुलवा जाता है, जीतन राम मांझी ये सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, कहीं दलित आपके मन की बात जीतन राम मांझी करे तो बढ़िया कर रहे हैं, अगर कुछ और बोले तो वो पॉलिटिक्स कर रहे हैं? नहीं नहीं वो बात नहीं है, कहने की मतलब है कि भैया अगर शराब बंदी हुई आज, भैया भैया हम ऐसे मत, हम आएंगे तब, 7 साल हो गया अभी तक सरकार के लिस्ट में कम से कम 1,000 से आदमी शराब के, जहरीली शराब से मर। शराबबंदी क्यों नहीं सफल हो पा रही, क्या लगता है आप इसके कारण बताऊं? अब तो डिफिनेशन कहीं जेल भेजवाइएगा। इसका कारण है सरकार और पुलिस की मिलीभगत, कार पुलिस की मिली भगत, इसी से चलते शराबबंदी नहीं हो रहा। पुलिस तो पकड़ती है भैया शराब, आप कहाँ पकड़ती है, चलिए ना आप मेरे क्षेत्र में चलिए पुनपुन में, पुनपुन थाना से आधा किलोमीटर के बाद शराब बनता है, दोनों तरफ पूर्वा पछी आवा जानते हैं, पूर्वैया चलेगा तो महक 1 किलोमीटर तक, 4 किलोमीटर तक जाता है, पछिया चलेगा तो 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर के अंदर थाना नहीं आती है। अरे ओझा होकर बना लेता है, रोजा होकर बना ले कि हाँ 2,000 देवेला हो तो। रोजा क्या होता है? अरे रोजा मतलब सप्ताह में 2 महीना में 2,000, महीना में 2,000 हाँ पुलिस को मिलता है, तो पुलिस के ना मिलता है तो पुलिस सरकार को जाता है, एसपी को जाता है, डीएसपी को जाता है, सबको जाता है। अच्छा आपको मिलता है कि नहीं? हमको कुछ मिलेगा, हम घर चाहिए योगी आदित्यनाथ की जैसे। एक मिनट, हमको कुछ मिलेगा? आपको मिलता है कि नहीं रोजा? हमको कुछ के मिलेगा। तो भैया आपको नहीं मिलता है तो आप पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं करते, डीएसपी एसपी? पगला उगला है हमारे, पगला जनता ही नीतीश कुमार, जनता के
यहाँ फुलवारी में मरा गया बेचारा, आके कहा कि हमारे खेत में शराब बनावे वाला है, वो ले जाके 14 साल का लेके आके जान मार दिया सब शराब बनावे वाला। शराब का जानकारी देने पे मार दिया जाता है? मार दिया फुलवारी में 3 साल पहले जी, 2 साल। क्या एंकर हैं आप हुजूर, मतलब आपसे पूछे नहीं, पूछे नहीं सरकार से पूछिए, सरकार भरू हो गया है। गाली मत दीजिए सरकार को, ऐसे खुलेआम गाली मत। देखिए गाली तो मैं जेल जाने के लिए तैयार हूँ, शराबबंदी किया बहुत खुश हूँ मैं, और शराबबंदी करने के बाद ये भीएस शुरू करवा दिया। आप जाइए सब साला, लेकिन मुंह से सुंगले चलता है, कोई साला भीएस पी रहा है, कोई चरस पी रहा है, सुलेशन जल्दी मर जाते हैं। सुलेशन पीकर लोग मरते हैं, फिर उससे और जल्दी मरते हैं। शराब ठीक था, देखिए कहानी। भैया भैया इधर, शांत रहिए शांत रहिए। बउआ बाबू बोल रहे हैं आपको, बेटा समान है मेरे, मेरा भी बेटा ETN कर रहा है। देखिए कहने की मतलब है कि जिस चीज को नियम को लागू किया आपने उस पर अमल की, रोजगार दीजिए बिहार में। अरे रोजगार छोड़ ना यार, रोजगार बिहार के छोड़ो। कहने की मतलब है कि अभी भीएस कौन कौन चीज मैं नहीं जानता हूं, उतना इतना बढ़ गया। जैसे शराब पीता था किसी का गार्जियन, शराब पी के गया बच्चा तो तुरंत पकड़ लेता था कि दारू पी गया हमारा दो चार तबराग। ये ऐसा चीज साला चालू हो गया है कि लड़का के लगाया कि बीमार है, पड़ल है, सुतल है, साला कोई टेंशन नहीं। क्या है वो चीज? अब कौन चीज है वो तो नीतीश बाबू ने बतावेंगे, करिया चश्मा पहन के। आप लोग को क्या लगता है भैया शराबबंदी सफल नहीं? हमको तो अभी नहीं सफल नहीं है, सफल नहीं है, नहीं है। और भी लोगों से बात नहीं है सफल, क्यों नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं है? मैं नवादा जिला से बिलोंग करते हम, किस क्या कह रहे हैं? दिखाई देगा नहीं मगर मिलेगा हर एक जगह। गायक वायक नहीं, गायक थोड़े हैं हम लोग भी तो यहीं पे काम करने वाले हैं। आप क्या कर? मैं नवादा जिला से बिलोंग करते हैं, ये हर जगह हमें बताएंगे आपको, शराब पीते हुए झूमते हुए जाते हैं आपको दिखाएंगे। आप गिनती करिएगा, कहिएगा वाकई में शराब बंद नहीं है, आप देख के बोलिए। सरकार के लोग तो ढोल बजाते हैं कि शराब बंदी है, सरकार के लोग ढोल बजाएंगे ना इसलिए कि हमारी कुर्सी होना चाहिए, अपनी कुर्सी के लिए मर रहा है, जनता के लिए नहीं मर रहा है वो। क्या कह रहे? मैं आपको कैमरा के साथ 5 बजे चलिए मेरा पुनपुन, 4:30 बजे पुनपुन स्टेशन, 200 आदमी शराब पी के ट्रेन से आता है पटना। हाँ जी, राजधानी में, राजधानी पी के आता है, लेके भी आता है, लेकर भी आता। हाँ लेके भी आता, काहे लाता? ये लाने मान लिया कि रात में हुआ बिहान पिएगा। अच्छा। चलिए आप, अब मैं सरकार से भी कह रहा हूँ कि पुनपुन स्टेशन पर जाके चेक करे ट्रेन में, जो 5 बजे ट्रेन यहाँ पहुँचती है 5:30 में, 5:15 में वहाँ है, 5:30 में यहाँ है, 5:40 में। मैं उसी ट्रेन से भी आया, घर से गया था सामान लाने के लिए। आप पीते हैं कि नहीं? ना हम शराब खुला था तब नहीं। हाँ पीते थे। बंदी के बाद कैसे बर्दाश्त कर ले? बंदी के बाद इच्छा शक्ति, इच्छा जब हो गया कि बंद है तो बंद है। ब्लैक से मंगवाते नहीं? नहीं नहीं, ऐसी बात करते। शराबबंदी सफल है? हाँ वो तो सफल है, बाल बच्चा बढ़िया से खा रहा है, आनंद से खा रहा है, पी के जाता था। शराब नहीं मिलता है? नहीं मिलता है, ऐसा नहीं। आपको कहाँ से मिलता? हम नहीं पीते हैं, एकदम नहीं पीते हैं, पक्का नहीं पीते हैं। हम ढलैया में काम करते हैं, छत वाला ढलैया में, पीते होते नहीं है, जाते हैं बाल बच्चा परिवार के खिलाते हैं। पीजिएगा भाई? नहीं नहीं, तो जहरीली शराब से लोग मर रहे हैं। क्या लगता है भैया सफल है शराबबंदी? नहीं सफल नहीं है। नहीं है? शराब तो अमृत चीज है, दूध बेच बेच के लोग दारू। शराब अमृत चीज? हाँ सौ दूध बेच देगा मगर सांझ के दारू उसको चाहिए। आप भी दूध बेचते हैं? नहीं हम दूध तो नहीं बेचते मगर देखते हैं। शराब लेते हैं? नहीं हम शराब नहीं लेते हैं। तो ये सब पता कैसे? हम देखते नहीं है, डेली आते जाते रहते, देखते नहीं है कि कौन किए हुए क्या क्या किए हुए है, डेली आना जाना पटना ही रहता, हम लोग जानते नहीं है। चलिए ठीक है, तो आपने देखा कि शराबबंदी और तमाम मुद्दों पे पटना के लोग क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर रखें। धन्यवाद।